आप लोगों के दरबार में मैं एक अपील करना चाह रहा हूँ, मैं एक फरमाइश करना चाहता हूँ इस लड़की से। बिल्कुल सर, सर आपका हुकुम सर आंखों पर। तो मैं हूँ झुमझुम झुमझुम रुक जरा सुना दो। ये मुझे लड़की कंप्यूटराइज लगती है। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल मशीन है सर, जी रोबोट है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुलफिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुलफिले हुए। जावेद साहब के लिए क्या बात है, दी जावेद अख्तर साहब इज ऑन इंडियन आइडल। हम कितने लकी हैं, ओ माय गॉड, थैंक यू वेरी मच। जावेद साहब का सपना था बड़ा बनना, आज लोगों का सपना है जावेद साहब जितना बड़ा बनना। जावेद का अर्थ होता है अमर, हमेशा के लिए, और अख्तर का अर्थ होता है सितारा। और आज हमारे बीच है सच में एक इमॉर्टल स्टार, जिनका घर का नाम ही सिर्फ जादू नहीं जादू है, जिनका हर लफ्ज हर अक्षर लेखनी को जिन्होंने की मुनावर, जावेद अख्तर। यहाँ बहुत सारे चेहरे जाने पहचाने हैं जिनके साथ मेरी बड़ी एसोसिएशन रही है, जैसे अनु मलिक साहब हैं, हम लोगों ने कितने बरसों से साथ काम किया है, हिमेश जी इनके साथ किया है, और अब एम्बिशन ये है कि इन सब के साथ भी। किसे ये क्या हुआ चुप किसे, तो बोल
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लफ्जों ही का काम है मेरा, लेकिन कभी कभी हमारे जैसे लोगों पे भी ऐसा वक्त आ जाता है कि लफ्ज नहीं मिलते, तो मैं क्या कहूँ, ये तो लड़की परफेक्ट गाती है भाई, कुछ कह ही नहीं सकते, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। वो तुम्हारी बहुत कमाल था, ये कमाल पूरा पहले से ए से जी तक सुपर, बहुत अच्छा, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी प्राउड ऑफ यू। प्यार हुआ चुपके से, वो जो चुपके से लफ्ज आता है ना, इतने चुपके से आपने बोला, इतने प्यार से बोला कि आपने बोलो को समझा। साइली, आज आपने एक प्रो यानी कि प्रोफेशनल सिंगर की तरह आपने अपने आप को पेश किया है यहाँ। मेरी मिसेस अंजू बहुत फॉलो करती है शो को, उनका मैसेज आया था, उन्होंने मुझे कहा कि मेरी इंडियन आइडल साइली। दिल से चाहती हूँ कि जिस नज़र से मैं तुम्हें देखती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हमारा भारत भी तुम्हें उसी नज़र से देखे, क्योंकि वो नज़र है जिसमें मैं एक विनर को देखती हूँ, मैं तुम्हें एक विनर की तरह देखती हूँ सयाली। अच्छा एक बात बताइए, हाँ सयाली, आपको आज तक कभी हाईएस्ट वोट गेनर आप नहीं रही हैं, राइट? नहीं रही हैं ना अभी तक। मैं दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के अपने भारत से, अपने इंडिया से, प्लीज़ आप लोग मेरी प्यारी सयाली के लिए प्लीज़, और प्लीज़ सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब एक बार ऐसा कर दीजिए प्लीज़ कि सयाली को हाईएस्ट वोट गेनर बना दीजिए, एक बार ऐसा कर दीजिए। तो शी डिजर्व्स इट। इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी सर, ये जो गाना इन्होंने गाया था चुपके से, ये इस फिल्म में 6 गाने थे, 3 गाने मैंने लिखे थे और पंचम ने कंपोज किए थे, 3 पंचम की ट्यून्स थी और उन पे मैंने लिखे थे, बराबर का हिसाब था। ये गाना जो है मैंने ट्यून पे लिखा है, और जब उन्होंने ये ट्यून अपनी सुनाई तो कोई शब्द नहीं थे उसमें। अनु जी, इसके शब्द शुरू हुए कि मैंने ये तय कर लिया था कि ये जो जगह है इसमें ये आएगा चुपके से, अब बाकी गाना बाद में बनाएंगे। तो ये सबसे पहले जो मैंने लिखा और जो सबसे पहले सोचा वो ट्यून सुन के, कि जिस तरह से वो आके गिरता है वहाँ पर चुपके से, तो वहाँ मैंने ये तय किया कि यहाँ तो मैं लिखूँगा चुपके से, बाकी गाना कैसे इसे जस्टिफाई करें वो बात की बात। चंदा रे चंदा रे, कभी तो जमी पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे। चंदा रे कभी तो जमी पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे। तुझको आते इधर लाज आए अगर, ओढ़ के आजा तू बादल घने। चंदा रे कभी तो जमी पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे। चंदा
से पूछेंगे हम सारे सवाल निराले, झरने क्यों गाते हैं, पंछी क्यों मतवाले, हो क्यों है सावन महीना घटाओं का, चंदा से पूछेंगे हम सारे सवाल निराले। कभी तो जमी पर बैठेंगे बातें करेंगे, तुझको आते इधर लाज आए अगर, ओढ़ के आ जा तू बादल घने। चंदा रे कभी तो जमी पर बैठेंगे बातें करेंगे। जानिए हिरिए जानिए हिरिए मेरे मन ये बता दे तू, किस ओर चला है तू, क्या पा प्रेम नगर में हो जीवन नगर में, प्रेम नगर में आया नजर में, जब से कोई है तू सोचता है तू पूछता है, जिसकी कमी थी क्या ये वही है, हाँ ये वही को तू खुल के बताए, जो है हम कही जो है हम सुनी वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे का, मितवा ये खुद से तू ना तू छुपा, मेरे मन ये बता दे तू, किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही जो है अनसुनी वो बात क्या है बता। मितवा से मितवा ये खुद से तू ना तू छुपा, मितवा मितवा।
बात आपने और भी नोट की होगी कि चंदा रे कभी तो जमीन पे आ, बैठेंगे बातें करेंगे। अच्छा, अब ये जो बेतकल्लुफी है चंदा से और ये जो एक कॉन्वर्सेशनल स्टाइल है, वो लड़का पूरे सुर में रहने के बावजूद और ट्यून पे रहने के बावजूद ये कॉन्वर्सेशनल टच ले आया। ऐसा लगता था कि ही टॉकिंग टू द मून। वो बहुत मुश्किल बात। थैंक यू सो मच। मुझे एक सवाल पूछना था जावेद सर से। सर, मैं और पवन जो है हमारे, हम दोनों एज म्यूजिक डायरेक्टर्स डेब्यू करना चाहते हैं बॉलीवुड में, मतलब कोशिश। हाँ, ये सर कोशिश करने वाले हैं। बहुत कमाल कंपोज कर रहे हैं ये लोग, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। तो मुझे आपसे बस ये पूछना था कि एक सक्सेसफुल जोड़ी होने के लिए आप क्या टिप्स देंगे? मैंने तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शिव हरी, कल्याण जी, आनंद जी, इन सब के साथ काम किया है, बल्कि एक जोड़ी से भी आगे एक घोड़ी और, वो शंकर लॉय, तीन है। दो लोगों को कभी एक साथ काम नहीं करना चाहिए। एक वो जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो और एक वो जो बिल्कुल एक जैसे हो। होना ये चाहिए कि कुछ कॉमनैलिटी हो, वो जो बेसिक सेंस म्यूजिक का जो अंडरस्टैंडिंग हो वो एक होनी चाहिए। जो एस्थेटिक वैल्यू होती है, जैसे कि कुछ सुर ऐसे लगते हैं ये सड़क के हैं, ये तो सड़क पे ही गाया जाएगा गाना, कोई कमरे में बैठ के तो नहीं गाएगा। कुछ ऐसे होते हैं ऐसे लगता है ये बहुत शरीफाना महफिल के हैं, कुछ ऐसे लगता है ये तो अकेले गाएगा, सिर्फ नोट्स, नो बट्स। तो ऐसे ही जैसे वर्ड्स का एक मतलब होता है, नोट्स का भी मतलब होता है। जहाँ आप दोनों की नोट्स की सेंसिबिलिटी बेसिक एक हो, लेकिन आप दोनों में बिल्कुल अलग अलग गुण हो, दोनों साथ काम कीजिए। अगर दोनों में वही गुण है जो दोनों में है तो साथ मत काम कीजिए, फिर दो की जरूरत ही नहीं। क्या बात। मैंने देखी है जब जंजीर के वक्त सलीम अंकल और आपने जब ये फिल्म लिखी थी, अमित जी वॉज सच अ गुड एक्टर बट आई थिंक ही वॉज नॉट गोइंग थ्रू, आई मीन द राइट फिल्म और व्हाटएवर। तो उसके पहले ये जो अमित जी पे लैंड हुआ है, हमें सदी का सबसे बड़ा महानायक मिला जी। जो कन्विक्शन उस वक्त आपका रहा होगा जंजीर में अमित जी को लेने का, वो एक कौन सा पल था या क्या मोमेंट था या कैसे हुआ, ये मैं तो जानना चाहता हूँ। आई एम श्योर द ऑडियंस वॉन्ट्स टू नो बिकॉज इट इज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री। एक्चुअली इस कहानी का तो मैं क्रेडिट सलीम साहब को देना चाहूंगा। बेसिक लाइन है और जो कैरेक्टर है एंग्री यंग मैन का, वो उनका सोचा हुआ है। तो अब जो हमने मनाई किस वक्त, कि जब आरडी बर्मन पीक पे था, जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पीक पे थे, सुपरहिट म्यूजिक चल रही थी, राजेश खन्ना द रोमांटिक सिंगिंग स्टार, उस वक्त हमने एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जिसमें हीरो गाने नहीं गाता। हाँ, जिसमें हीरो रोमांस ही नहीं करता, अनबिलीवेबल, जिसमें हीरो की कोई कॉमेडी नहीं है 73 में। तो अब ये मार्केट के खिलाफ बात थी। उस तो हीरो की हिम्मत थी दिलीप कुमार, देवानंद, राजेश खन्ना, अब ये एक टॉल सीरियस फेस का इंटेंस सा लड़का, ओके यार ये तो अलग ही है, एक तो लंबा बहुत है यार। तो इतने लंबे हीरो नहीं होते थे जी, करेक्ट। लेकिन मैं एक बात बताऊं, इस बारे में हम लोग की तो बहुत तारीफ होती रहती है, लेकिन एक इंसान जिसकी बहुत तारीफ होनी चाहिए उसका जिक्र नहीं होता, उसका नाम है प्रकाश मेहरा। प्रकाश मेहरा ने ये कहानी ली और ये उनका पहला प्रोडक्शन होने वाला था और ये कहानी हर सक्सेसफुल हीरो ने रिजेक्ट कर दी। हर हीरो कह रहा है कि कहानी ठीक नहीं है, मैं नहीं करूंगा। उसने कहा कि बनाऊंगा तुम्हें यही। क्या बात है, मैं सलाम करता हूँ। और उसके बाद ये बड़ा अच्छा हुआ कि हर हीरो ने रिफ्यूज कर दिया। एक बार मैं कहीं कार में एक बहुत मशहूर जर्नलिस्ट के साथ जा रहा था, तो मैंने दिखाया कि देखो ये जो बंगला है ना, मैं इसके पोर्च में सोता था। तो कहने लगे अच्छा अच्छा। फिर आगे चली तो इधर बात हो रही थी, मैंने एक हीरो का जिक्र किया कि उन्होंने भी सुन के रिजेक्ट कर दिया था। तो कह ले अगर उन्होंने कर ली होती तो मैंने कहा फिर मैं उसी पोर्च में सो रहा होता। तो
ये हमारी किस्मत थी कि हमें अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर इस रोल के लिए मिला। क्या बात, वाह क्या बात है। बात चली है तो फिर दो चीजें, एक ये और एक अरे ओ सांबा। मुझे अक्सर लोग मिलते हैं जी, अरे साहब आपके शोले में जो डायलॉग थे क्या बात, आप ही लिख सकते थे, अरे ओ सांभा, वाह 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 वा। कितने आदमी थे, अरे कमाल है। मतलब ये कोई डायलॉग है इनकी तारीफ की जाए। कितने आदमी थे, वाह सर वाह, कितने आदमी थे, आपने लिख। कुछ होता है जब पत्ते सही पड़ जाते हैं तो सत्य सही पड़ जाते हैं। हुआ क्या, स्क्रिप्ट में स्क्रीन प्ले के लेवल पे सांभा नाम का कोई आदमी नहीं था। अच्छा। अब जब मैं डायलॉग लिख रहा था तो एक आदमी ये कहे मेरे ऊपर सरकार ने 50,000 इनाम रखे हैं, ये छिछोरा पल्ला। ये अच्छा नहीं लगता कि वो खुद कहे, बड़ा आदमी जो है उसका क्या होता है कि उसके जो साइको फ्रेंड्स होते हैं तो बताओ इन्हें मैंने क्या किया तो वो बताता है। सिर्फ इस वजह से उस सीन में ये डायलॉग डाल दिया कि अरे ओ सांभा सरकार कितना इनाम है रखे हैं, तो वो बताएगा ना सांभा, हम खुद क्यों अपने मुंह से बोल। और जो सांभा का रोल जिन्होंने किया था उनके पिक्चर में डायलॉग 3 वर्ड का था बस जी। पूरी पिक्चर में पूरे 50,000 बस। इसके अलावा वो कभी कुछ बोले ही नहीं जी, जी। तो ये एक सिर्फ 50,000 कहलवाने के लिए डायलॉग में कैरेक्टर आ गया और वो इतना लोगों को याद है। एक बार जावेद साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए।
क्या रियाज है आपका, क्या तैयारी है, इतनी सी उम्र में क्या करने वाले हैं आप, इरादा क्या आपका? कुछ नहीं। क्या कहें साहब, ये तो एक उस्तादाना काम था इनका और मुझे इन्होंने नुसरत साहब की याद दिला दी। एक आपने अंतरे में, मुझे याद है आपने कोई को कनेक्ट किया था, मुझे प्लीज एक बार दोबारा सुनाओ ना अंतरा आपने जब गाया था। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई जिसमें जैसे अजंता की। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। कुछ वर्ड होल्डॉल जैसे होते हैं और ऐसे ही ये कोई है, बड़ा ट्रिकी वर्ड है। Exactly. जो आपने बिल्कुल सही गाया है, वरना जहाँ कोई है वहाँ कोई गा देंगे, जहाँ कोई है वहाँ कोई गा देंगे, तो बिल्कुल ये सही आपने पॉइंट आउट किया है, अप्रिशिएट दैट, कि आपने जो लव्ज किया ये बहुत धोखा देने वाला लव्ज है। आपको उर्दू या हिंदी ये दोनों आपको कंट्रोल होना चाहिए, इसलिए कि एक तरफ आप कहें कि फिर ऐसा हो गया, आजकल फिर का एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम चल रहा है नेशनल लेवल पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि शायद मैं कहीं इंडिया से बाहर गया था छुट्टियों में और एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये रेजोल्यूशन पास हो गया कि आज से हम फिर को फिर कहेंगे। मैं था नहीं। सच। जिंदगी में जो पहला गाना मैंने लिखा वो था देखा एक ख्वाब तो सिलसिले हुए, तो ये गाना लिखने का सिलसिला उन्हीं से शुरू हुआ। एक दिन उनका मुझे फ़ोन आया, कहने कि भाई एक पिक्चर है उसमें आपसे मैं गाने लिखाना चाह रहा हूँ, बहुत सारे गाने हैं और बहुत आप ही करेंगे। तो मैं ठीक है, तो हमारी उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया इस पिक्चर के बारे में, वीर ज़ारा। तो मैंने कहा इसमें म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है, तो कहले मदन मोहन जी। तो मैंने समझाया शायद मजाक कर रहे हैं, मदन मोहन जी को तो गुजरे 25 साल हो गए, तो आप क्या कह रहे हैं। कहले भाई उनकी बहुत सारी ट्यून्स थी जो उन्होंने अपने कैसेट प्लेयर पे की हुई थी और उसको हमने ट्रांसफ़र करा लिया है किसी तरह से, उनके जो बेटे हैं बड़े बेटे उन्होंने उन्हें संभाल के रखा था और उन्हीं के सुपरविजन में ये हम वही ट्यून्स पे गाने करें। सर अरुणिता, आई थिंक ये आपका अब तक का सबसे चैलेंजिंग मोमेंट है क्योंकि आपको एक ब्रांड न्यू लिरिक्स और कॉम्पोजिशन मिल रही है और वो भी जावेद साहब और अन्नू जी की। ये स्केल है, चलेगा। तुमसे मिलके मुझे क्यों लगा है, तुमसे मिलके मुझे क्यों लगा है, जैसे पहले भी हम तुम मिले हैं, कभी पहले भी था ऐसा मौसम, पहले भी फूल यूं ही खिले हैं। आय आय, इतना बेटा गाओ। तुमसे मिलके मुझे यूं लगा है, आय हाय हाय, जैसे पहले भी हम तुम मिले हैं, जैसे पहले भी हम तुम मिले हैं, कभी पहले भी था ऐसा मौसम, कभी पहले भी था ऐसा मौसम, पहले भी फूल यूं ही खिले हैं, पहले भी फूल यूं ही खिले हैं, यही मंजिल यही रास्ता था, यही हम थे यही दिल की धड़कन। अनु जी, सॉरी प्लीज सर, माय अपोलॉजी। नहीं, नॉट एट ऑल सर, एक्चुअली द ट्यून नीड्स वन मोर लाइन। जी सर, इसलिए कि वो जो ऊपर का राइम है वो वापस आ जाए तो सर्कल कंप्लीट। जी सर, दो दिलों में यही वास्ता था, जाने क्या कहूं मुझको ये क्यों लगा है। अच्छा, तो वो ऊपर यूं लगा है, क्यों लगा है, तो आप ओरिजिनल ट्यून पे वापस जा पाएंगे। दो दिलों में यही वास्ता था, अब तुमसे मिलके मुझे क्यों लगा है ट्यून यहां लाते हैं। अच्छा, इसके बाद जी 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 के
क्या कहूँ मुझको ये क्यों लगा है? क्या कहूँ मुझको ये क्यों लगा है? क्या कहूँ मुझको ये क्यों लगा है? जैसे पहले भी हम क्या बात है जावेद साहब, क्या बात है, क्या बात है, गाना बना तो मूड में आ गया। अब तुम्हारा टेस्ट है अरुण, अरुणिता अब आप गाइए। तुमसे मिलके मुझे यूं लगा है जैसे पहले भी हम तुम मिले हैं। कभी पहले भी था ऐसा मौसम, पहले भी फूल यूं ही खिले हैं। यही मंजिल यही रास्ता था, यही हम थे यही दिल की धड़कन, दो दिलों में यही वास्ता था। क्या कहूँ मुझको ये क्यों लगा है जैसे पहले भी हम तुम मिले हैं। बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समान कल हो न हो।
कल हो ना हो पवन की आवाज में मुझे एक ऐसी बात लगी जो बड़ी अनयूजुअल होती है, कभी कभी किसी सिंगर में होती है. परफेक्ट सुर होता है लोगों का, अच्छी मेलोडियस आवाज़ होती है, उनके पास कंट्रोल होता है और सही अदायगी भी होती है, लेकिन एक चीज़ है वो नेचुरल है, वो किसी सिंगर में होती है. मुकेश जी में थी, हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ कि इनमें और मुकेश जी में इसके अलावा कुछ कॉमन है, लेकिन एक बात कॉमन, उनका गाना सुनिए तो ऐसा लगता है आदमी सच बोल रहा है. आप जब गाते हैं तो सच्चे साउंड होते हैं. और मुझे लगता है कि ये खूबी आपकी बहुत दूर तक जाएगी. बहुत बधाई हो, बहुत अच्छा आपने गाया. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. दो एक शब्द मैं इस गाने के बारे में भी आपको बताऊं. मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारी सिटिंग जो थी पूना में हो रही थी, शंकर एहसान लॉय अपना सब लगा चुके थे, इंस्ट्रूमेंट तो ये वो, तो जब मैं एंटर हुआ तो उनका ये एक हमने ट्यून बनाई है, बैठिए सुनिए. तो ये ट्यून मैंने सुनी, ट्यून को सुन के मुझे ऐसा लगा कि इस ट्यून में एक अजीब सी स्पिरिचुअल क्वालिटी है. मुझे पंजों पे खड़ा होना पड़ेगा अपने शब्दों के साथ इस ट्यून के बराबर आने में. तो जब ट्यून सुनी थी तभी मुझे यकीन हो गया था कि ये गाना बहुत एक्सेप्शनल, और आपने उस एक्सेप्शनल गाने को एक्सेप्शनल तरीके से निभाया. थैंक यू सर, थैंक यू. जावेद सर, आपसे एक छोटा सा सवाल है. लोग हमेशा पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ उसको किस तरह से मैं उनको जवाब दूँ, तो अगर आप मुझे कुछ इस बारे में राय दे सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा. उसे साफ कह दीजिए कि ये मेरे पर्सनल बातें हैं, आपको कोई राइट नहीं है मुझसे सवाल करने का. आप मेरे काम के बारे में सवाल कीजिए, वो मैं जवाब दूंगा. और यह आपने हिम्मत कैसे की मुझसे सवाल करने की? खत्म. क्या बात. कभी कभी आपको एक दीवार भी खींचनी पड़ती है कि दिस मच एंड नो मोर, इससे आगे आप लिबर्टी नहीं ले सकते. थैंक यू सर, थैंक यू. सोला सिंगार जैसे रस की पुहार
जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा निहाल, कितना अच्छा गाया आपने। अब भैया एक कहावत है कि लंका में सभी 52 गज के थे, तो यहाँ तो सब एक से एक ही हैं और हर एक के बारे में यही कहना पड़ेगा कि बहुत ही अच्छा गा रहे थे आप। जो आर डी बर्मन थे उनका बहुत बड़ा म्यूजिक रूम था सेंटा क्रूज में, तो वहाँ हमारी मीटिंग हुई जहाँ इसके जो डायरेक्टर थे विधु विनोद चोपड़ा वो है, अनिल कपूर थे, फरा खान थी और ये संजय लीला बंसाली भी उन्हें असिस्ट कर रहे थे, तो वो भी थे और दूसरे लोग भी थे। तो स्क्रिप्ट सुनी गई, उसके बाद मैंने जब स्क्रिप्ट ख़त्म हुई, बातें हो रही, तो मैंने कहा कि एज अ सॉन्ग राइटर मेरी ये फीलिंग है कि यहाँ पर एक गाना होना चाहिए जी, जहाँ गाना नहीं था। तो उनका भाई ये कौन सी जगह है गाने की, अभी वो लड़के ने उसे एक झलक उसकी वो बस की खिड़की में देखी है और अभी तो उससे मिला भी नहीं है, इन दोनों की कोई बात भी नहीं हुई है, इनका कोई रोमांस नहीं है, यहाँ क्या गाना होगा जी। तो मैंने कहा कि मुझे इंस्टिंक्टिवली ऐसा लग रहा है कि व्हेन ही इज लुकिंग फॉर तो कोई गाना उसकी तारीफ में उसके जिक्र में जी। तो उन्होंने कहा चटनी थे आप गाना लिख के लाइए, अगर ऐसा बड़ा कमाल का हुआ तो हम रख लेंगे, सिचुएशन बना लेते हैं यहाँ। तो कब मिले, तो कहें वेंसडे को 4 बजे मिलते हैं। अब ये सब दावा करके और मैं उनसे बहस करके बाहर आया और पहला काम मैंने किया कि भूल गया मैं। अब वो वेंसडे की एक खास आदत है कि हर वीक आता है वो, तो वो आ गया। अब मुझे 3 बजे फ़ोन आया कि वो 4 बजे अपॉइंटमेंट है, आप आ रहे हैं ना। तो उस दिन के बाद मुझे पहली बार ये ख्याल आया कि मुझे तो कुछ गाना देना था ना। तो अब मैं कार अपनी उस जमाने में खुद ही ड्राइव करता था, तो मैं जू से चल रहा हूँ सेंटा क्रूज पहुँचना है, कोई टाइम भी ज़्यादा नहीं है। एक वहाँ होता था लिडो सिनेमा हाउस, उसके सामने से मेरी कार गुजर रही थी, मुझे क्यों पता नहीं वो जगह भी याद नहीं। तो मुझे एक आइडिया आ गया कि आज अपनी इज्जत कैसे बचाई जा सकती है। तो मैं एंटर हुआ, वहाँ सब बैठे थे, तो मैंने कहा कि देखिए भाई, मैंने बहुत सोचा है, बहुत गौर किया है इस सिचुएशन पे और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि बेस्ट गाना ऐसे हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग आइडिया अप्रूव करें तो मैं लिखता हूं। कहले क्या आइडिया, क्या आइडिया? ये है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा और इसके बाद सिर्फ सिमिलीज होंगी, कुछ नहीं लिखा था मैं कार में मारे डर के ये लाइन सोची कि अभी बोलूंगा क्या जाके, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा और फिर डिस्क्रिप्शन ही हो और कुछ। तो इस तरह से ये गाना बना। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपने बड़े रोमांटिक गाने लिखे हैं, आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है? तो मैं उन्हें सच बताता हूँ, टेरर। जब मुझे लगता है अब ये गाना नहीं हो पाएगा और मैं डेट पे नहीं दे पाऊंगा और सिटिंग में किस मुंह से जाऊंगा तो गाना हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है सर, मेरी हिंदी है ना तो थोड़ी बहुत गड़बड़ है, मतलब मैं ये कार्टून वाली हिंदी बात करता हूँ सर। सर मेरी हिंदी और भी अच्छा करने के लिए आपकी आपको कोई टिप्स दे सकते हैं क्या सर? आप जैसे लता जी हैं, रफ़ी साहब हैं, आशा जी हैं, किशोर कुमार हैं, इनके आप गाने सुनिए, आप इनसे सीखिए। आप जब उनको सुनेंगे और वो कौन सा शब्द कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आप उसी से डायरेक्ट सीखिए। आपको राइटर तो नहीं बनना ना, आपको तो सिंगर बनना है, तो आप ये ज़बान जो है सिंगर से ही सीखिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।